मुहावा दिखाइए, मुहावा नहीं दिख रहा है। सो है फैमिली, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम नहीं है, अभी है शाम का टाइम और फिलहाल मैं अभी शुरू कर रही हूँ बिकॉज सुबह में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कुछ भी वीडियो नहीं बना पाई। फिलहाल हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा किया हुआ और बारिश हुई है, बहुत ज़ोरदार बारिश हुई हवा के साथ साथ। तो अभी हमारे यहाँ बन रही है लिट्टी चोखा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सत्तू वाले लिट्टी बन रही है और बैंगन टमाटर की चोखा बनेगी, तो बारिश के दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं ये खाने में। और उसके साथ साथ चोखा में आलू भी, और माजी इधर बगल में सोई हैं। तो चलिए चलते हैं, दिखलाते हैं कैसे कैसे बनता है, सभी लोग खाएंगे और फिर क्या। और पीछे वो जिसको पढ़ना तो है नहीं, सिर्फ पूरा दिन गेम खेलना स्कूल से आकर के, और कुछ नहीं है। तो ये दो टमाटर है, दो बैंगन है, तो मैं माजी को दे दे रही हूँ ये पकने के लिए आग में। और ये गैस से पकते हैं तो उतना अच्छे तरीके से पकते भी नहीं हैं और अच्छे भी नहीं लगते हैं उतना, जो कि ये आग पे सेक कर जो बनाया जाता है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बस यही, ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, फिर इसके बाद इसमें लिट्टी डाला जाएगा। और मैं यहाँ पर बनाऊँगी आलू बैंगन टमाटर का चोखा। तो लिट्टी चोखा बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारे हस्बैंड जी आ गए और ये लेकर आए हैं, बिकॉज़ ये बहुत रात हो चुकी थी इनको आने में, तो ये बाइक लेकर गए उन्हें लाने के लिए। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से पक चुका है, तो इसको माजी निकाल के मुझे दे देंगी और मैं इसका चोखा बना लूँगी। और इसके बाद इसमें जो लिट्टी हम लोग बनाए थे सत्तू वाले, वो जाएंगे इसमें अच्छे तरीके से, पूरा लाल लाल पकाया जाएगा एकदम, जब तक एकदम अंदर तक पक जाएंगे तभी इसको सभी लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैंगन को, टमाटर को और आलू मिर्च जो भी है इसको अच्छे तरीके से मैं धो ली हूँ, बिकॉज इसमें राख लग जाते हैं, जिसमें ये पकाया जाता है उसके राख लग जाते हैं। तो दो तीन बार पानी से धो करके इसको फ्रेश पानी में लेकर के इसका पूरा छिलका मैं निकाल दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी जो भुना हुआ मिर्च है वो, और लहसुन, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल, बस इसी सब को मैं मिक्स करूँगी इसमें। और बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बढ़िया लगता है। और अभी शाम को ये महाराज आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो आज रोटी बनी नहीं है, लिट्टी बनी है। तो वही माजी क्या की कि उसका सत्तू निकाल करके इसको दी खाने के लिए, बिकॉज उसको तीखा लगता है और गर्म था तो थोड़ा ठंडा होने के लिए हम लोग रख दिए थे। बेचारा ये जब खा लेगा तब जाएगा, बहुत देर से बैठा था, वही सोच रहे थे क्या दे क्या ना दे, क्योंकि हमेशा तो ये रोटी खाता है, चावल खाता नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाता। और यहाँ माजी बैठ गई है खाने के लिए, तो ये घी है, सरसों का तेल है और केले के पत्ते। पहले हमारे घर दूसरे वाले घर पे केले का पौधा है, तो वहीं से ये पत्ता आया था तोड़ करके, तो हम लोग सोचे चलो आज इसी पे खाते हैं।
तो सब लोग केले के पत्ते पे ही खाए और बहुत अच्छा लगा। और ये डॉग को बोल रही थी कि जाओ बाय गुड नाइट, जाओ सो जाओ खा लिए, तो बस उसी को बोल रही थी। और ये ऐसे देख रहा है, ये चला गया उसके बाद। खाना खाने के बाद सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह सारे धुल गए थे, तो यहाँ पे सभी जन बैठकर टीवी देख रहे हैं। और अभी है सुबह का टाइम, दो नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे माझी सुबह सुबह ये सिलफड़ होता है जो पेड़ में होता है, इसका जूस निकाला जाता है, इसका जितना भी घोल कैसे निकाला जाता है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ, मुझे ज़बरदस्ती दी माझी किलो, पी कर देखो। तो मुझे बहुत अजीब लगता है यार, बहुत अजीब सा लगता है टेस्ट इसका। तो मैं नहीं पी, मैं थोड़ा सा ली, फिर उसके बाद मैं नहीं पी। और ये देखिए यहाँ पे दोनों जन का कितना प्यार दिया जा रहा है, लाड प्यार। तो बस वही हो रही है, और मैं इधर किचन में खाना बना रही थी और इन लोगों को देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है। सभी लोग अभी सो के जगे हैं सुबह सुबह का टाइम, और इन्हें मैं दे रही हूँ ये काट कर से। ये अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, मेरा भी पूरा काम ख़त्म हो चुका था, खाना तो फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट रेडी होकर के, क्योंकि बर्थडे वाले दिन ये मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले पाए थे जल्दी जल्दी में, और लेना तो ज़रूरी है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो वही मैं लेने जा रही हूँ अभी मार्केट में खुद के पसंद से। बस जा रही हूँ जल्दी से रेडी हो लेने, और फिर निकलेंगे। बहुत धूप भी आज, कल तो अच्छा मौसम किया था, आज बहुत ज़्यादा धूप है। तो रास्ते में तो ऐसे ठंडी ठंडी हवा चलेगी बाइक पे, तो उतना पता नहीं चलेगा, और पेड़ पौधे उधर किनारे किनारे बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ आज, बिकॉज़ ये बहुत हल्का साड़ी है और बहुत कंफर्टेबल होता है पहनने में। मैं यहाँ हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए, तो बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है मेरे में, और मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे बहुत दिनों से, 5-6 दिनों से फीवर आ रहा था, आज कुछ ठीक था। तो मैं साड़ी पहन करके रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ। मुझे, मैं बाहर निकलती हूँ तब मुझे लगता है मुहावरा दिखाइए, मुहावरा नहीं दिख रहा है, अरे बाप रे। मुझे जो लेना था मैं वो ले चुकी हूँ अपने लिए, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखलाऊंगी कि मैं क्या ली हूँ, ये मुझे क्या दिलाए हैं। फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं मॉल में, तो यहाँ पर कुछ कुछ सामान लिए हैं बस, खाने पीने वाला, बाकी सब ये जो भी था वो घर पे था, तो फिर इसमें पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और फिर यहाँ पर मैं आईने में देख के खुद को ऐसे मटक मटक के चल रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितने सारे नमकीन हैं, ये खाने पीने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी में से मैं कुछ कुछ थी, बाई वन गेट वन फ्री था आज, तो मैं उठा ली जितना उठाना था। और ये रास्ते में भी हम लोग आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इतना स्पीड में ये गाड़ी चला रहे थे, बहुत ज़्यादा एकदम संभल नहीं पा रहा था। तो वो जो एरिया था वो मेरा घर था, मेरा मायका जहाँ पे मैं पहले रहती थी, तो हमारे ससुराल से 20 किलोमीटर पड़ता है, मतलब वहाँ जाने में। तो हमें किसी चीज़ की, यहाँ पर भी मार्केट है, बट अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे वहीं अच्छा लगता है, और थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है, लोग घूम लेता है, तो ऐसे घर में बैठे बैठे एकदम बोर हुआ रहता है मन। तो वही मैं गई, थोड़ा बहुत घूमी, और थोड़ा जो जो सामान लेना था वो मैं ली, और फिर उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितना तेज़ बाइक चल रहा है, और एकदम आँख नहीं खुल रही थी बिल्कुल भी। और मैं अभी अपने गांव में आ गई हूँ, तो घूंघट कर लेती हूँ, बिकॉज यहाँ पे सभी लोग रोड पे बैठे रहते हैं, तो एकदम कन्या बहुरिया में बन के रेडी हो गई। तो अभी घर पे आ चुकी, बहुत ज़्यादा उधर गर्मी थी, उधर पोल्यूशन की वजह से और भीड़ भाड़ की वजह से बहुत ज़्यादा उधर गर्मी लग रही थी, और लग रहा था कि बारिश एकदम हुआ ही नहीं। इधर कल बारिश हुआ था, पर उधर एकदम नहीं लग रहा था कि बारिश हुआ है। फिलहाल अभी हम अपना एसी ऑन करते हैं, और फिर मैं मॉल से आते आते ये सारे कुछ नमकीन वगैरह ली हूँ, ये बिस्किट है, और ये है सोन पापड़ी। तो इस पे क्या था ना कि बाई वन गेट वन फ्री था, तो मैं एक पे एक फ्री था, तो मैं ले ली दो दो करके ऐसे। और फिर ये है हमारी
भुजिया है और इस पे भी एक फ्री था, तो ये है मिक्सर, ये भुजिया मिक्सर और ये सोन पापड़ी, ये अजवाइन वाला कुकीज़ है। फिर उसके बाद मैं ली हूँ यहाँ, इस पे भी बाई वन गेट वन फ्री था, तो ये मैं ली हूँ। बस यही सारा सामान ली हूँ। जल्दी जल्दी मैं कुछ कुछ खा पी करके फिर आ गई हूँ उसके बाद। काबा समोसा खाइब लड्डू खाइह, समोसा लड्डू खाइह। समोसा समोसा रहे ना, आ ओकरा में लड्डू हमरा के ना खेलू हो। तो यहाँ पे सोनाक्षी और ऋषभ आए थे शाम को, तो वही खेल रहे थे ये लोग ओक्का बोक्का जो हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो वही याद आ गया पहले की बातें। ये सारे कपड़े मैं आज सुबह धो करके छत पे डाल करके गई थी, तो ये सूख गए थे और कुछ कुछ ऐसे थे जो नहीं सूखे थे, तो मैं इन जो नहीं सूखे मैं छत पे ही रहने दूंगी, किनारे ऐसे टांग दूंगी, और बाकी सब सारे कपड़े सूख गए थे तो वही मैं अब लेकर नीचे जाऊंगी सारे कपड़े को, बिकॉज हवा चलती है, हवा कब आ जाए कोई पता नहीं है, कब मेरे कपड़े सारे उड़ के चले जाए। बिकॉज़ मैं कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अप्रैल या मई का महीना था और उस टाइम बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, मैं छत पे कपड़े डाल के भूल गई थी और रात में इतना तेज़ हवा आया ना, मेरा मतलब जितना कपड़ा था हर किसी के घर में कुछ ना कुछ मेरा कपड़ा चला गया था, तो बहुत अजीब लगा था उस टाइम। मैं ध्यान नहीं दे पाई थी कि ये क्या हो गया, तो अब ध्यान से मैं जब भी कपड़े डालती हूँ तो लेकर आ जाती हूँ। कपड़े वगैरह सारे छत से आ चुके और फिलहाल मैं अभी बना रही हूँ आलू की सब्जी और चावल। तो सबका आलू का सब्जी खाने का तीखा तीखा एकदम मन था, और चावल और माजे के लिए बनेगी रोटी, तो बस यही आज के खाने में है, और ज़्यादा लोगों का तो खाना बनाना नहीं है, सिर्फ 3 जन के लिए चावल बनाना है और माजे के लिए 2-3 बस रोटी बनेगी। तो आलू मैं बैठा के रख दी हूँ, उधर टमाटर प्याज और मसाले पीस करके रख दी हूँ, लाइन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कट सकता है। तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो होता है जो भी कोई भी सब्जी बनेगी अगर उसमें ज़्यादा मसाले पड़ेंगे तो उनका मसाला रेडी करना, फिर उसके बाद सब्जी वगैरह काटो या फिर कुछ भी करो, टेंशन वाली बात नहीं रहती। नहीं तो इन्वर्टर पे क्या होता है ना, इन्वर्टर पे ऐसे मिक्सर चलता है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बस यही बात है। और हमारे लिए लेकर आए हैं चिप्स, अपना पेट मत दिखलाइए मेरा चिप्स। लड़का नहीं लाया है। मार लगा यहाँ हमारी आलू की सब्जी लगभग रेडी होने वाली है, और मैं आलू को ऐसे काटती नहीं हूँ किसी से, ऐसे हाथ से ही फोड़ देती हूँ, और इधर बन रही है हमारी चावल, साथ साथ में दोनों बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी। सो गाइस खाना वगैरह बन चुकी थी, सब लोग खा लिए हैं, सब लोग सो भी गए हैं और 11 बज गए हैं, मैं भी जा रही हूँ फिलहाल अभी सोने, और मैं पता है तकिए के नीचे ये दुपट्टे मैं रख के सोती हूँ, बिकॉज मैं बाल में तेल लगाई हूँ और डायरेक्टली मैं इस पर सोऊंगी ना तो कवर इसका एकदम गंदा हो जाएगा, जिसको धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत मुझे लगेगा, इसीलिए मैं जब भी तेल लगाती हूँ बाल में तो पहले दुपट्टा को रख लेती हूँ तब सोती हूँ। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुड नाइट, फिर मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, और हाँ जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिलाया है
वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब वो साथ में रहेंगे तब। तो कल वो आ जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या मिला है। ठीक है, गुड नाइट।